बेलारूस में इनकलाब आ चुका है अमन के साथ और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिके हैं कि पिछले दो हफ्ते से लोग सदर के खिलाफ सड़कों पर हैं। अपोजिशन मुत्तहिद हो रहे हैं जबकि सदर अलेक्जेंडर खुद अपने हाथ में राइफल लिए हुए नजर आते हैं और जबरदस्ती इकतदार में बने रहने की हनक कहीं उनके लिए बेहद महंगी ना पड़ जाए। और इसी को देखते हुए लुकाशेंको के करीबी दोस्त पुतिन भी अब उन्हें समझाने की हालत में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बेलारूस में इनकलाब की मशाल तेज है। तानाशाह जैसा बर्ताव कर रहे सदर लुकाशेंको के खिलाफ मुजाहिरे कम नहीं हो रहे। मार्च फॉर फ्रीडम यानी आजादी मार्च जोरों पर है। उधर अपोजिशन ने मुत्तहिद होकर यह पैगाम दे दिया है कि हम मेजॉरिटी में हैं। जबकि सरकार मुजाहिरीन से सख्ती से निपट रही है। सदर के इस्तीफे की मांग करते हुए मुजाहिरा कर रहे 50 से ज्यादा मुजाहिरीन को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हिरासत में ले लिया गया। अब बेलारूस के अपोजिशन लीडरान का इत्तेहाद मुजाहिरीन के खिलाफ किए गए जुल्म की जांच चाहता है। उनका कहना है कि राजधानी मिन्स्क में किए पुरअमन मुजाहिरों को दबाने के लिए जो गलत हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उनकी जाँच हो। पूरे मुल्क में कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं क्योंकि मुलाजिम सदर के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। दूसरी फैक्ट्रियों की तरह सरकार से ये हमारी आधिकारिक मांग एकदम जायज है, जो पूरे बेलारूस की मांग है। हम राजनीतिक बंदियों को रिहा करने, निष्पक्ष चुनाव करवाने और सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। बेलारूस कोऑर्डिनेशन काउंसिल के एक रुक ने कहा कि अफसरान ने अपोजिशन पर जो दबाव बनाने की कोशिश की है वो बेकार जाएगी। हम सब एक हैं और हमारी तादाद ज्यादा है। हर बेलारूसी जो इस बात का समर्थन करता है और बेहतर के लिए बदलाव चाहता है वो हमारे काउंसिल में शामिल हो सकता है। हम मेजॉरिटी में हैं, हम बेलारूस वासी हैं, हम लोगों की कोऑर्डिनेशन काउंसिल है। सभी को हमारे साथ मिलकर आगे आना चाहिए। दरअसल 65 साल सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग करते हुए लोग पिछले दो हफ्तों से सड़क पर उतर कर मुखालफत कर रहे हैं। लुकाशेंको 1994 से मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। मुंतखब सदर लुकाशेंको पर 9 अगस्त को हुए इंतखाब में धांधली करने का इल्ज़ाम है। उनके 26 साल के इख्तदार को 37 बरस की अपोजिशन लीडर स्वेतलाना ने झकझोर कर रख दिया है, जबकि सदर लुकाशेंको खुद हाथों में राइफल लिए दिखते हैं और इल्ज़ामात को खारिज करते रहे हैं। स्वेतलाना एक छोटी नासमझ बच्ची जैसी है। स्वेतलाना को विदेशों से ताकत मिलती है और वो कठपुतली के तौर पर काम कर रही है। रूस के सदर पुतिन ने जो लुकाशेंको का लगातार बचाव कर रहे हैं, उन्होंने लुकाशेंको को फौजी इमदाद तक की पेशकश की थी और दूसरे ममालिक को बेलारूस के मामले से दूर रहने के लिए कहा था। लगातार हो रहे मुजाहिरे के मद्देनजर अब खुद थोड़े नरम होते दिख रहे हैं। हमें भरोसा है कि इस प्रक्रिया के लिए सभी दलों के पास पर्याप्त समझ होनी चाहिए कि वो बिना कोई अतिवादी कदम उठाए रास्ता खोज सके। बिल्कुल लोग सड़कों पर हैं तो हर किसी को इस पर ध्यान देते हुए ही प्रक्रिया देनी चाहिए। जाहिर है बेलारूस में चल रहे एहतजाजी मुजाहिरों पर दुनिया भर की नजरें लगी हैं। सड़कों पर जनसैलाब उमड़ता जा रहा है। अमन के साथ अब देखना है कि तानाशाह सदर लुकाशेंको इनके सामने सर झुकाते हैं या भाग खड़े होते हैं या फिर आवाम को अपनी ज्यादतियों का शिकार बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।